श्रीराम सभी भाइयों को। ये है अपना होटल मानस टूरिस्ट होम, और अभी मैं जा रहा हूँ श्री मंदिर का नाम कुछ है सही है तो तिरुवनंतपुरम में है, और वो मंदिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए खुलता है, 15 शायद 1 मिनट। पैंतालीस मिनट के लिए खुलता है, फिर 45 मिनट के लिए बंद हो जाता है। तो अभी मंदिर के लिए निकल रहा हूँ, 6:30 हुए हैं, अभी 7:15 तक खुलेगा। अभी मंदिर में जाके देखते हैं। तो ये यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं, और वो है पद्माश्री, क्या नाम है यार, अजीब सा नाम है, पद्माना भास्वा मंदिर। और ये साइड में छोटी सी एक लेक, इधर अभी सही बहुत गर्मी हो गई यार, 7 भी नहीं बजे हैं अभी। तो यहाँ पे इस मंदिर में धोती पहनने की परंपरा है, सारे धोती पहन के जाते हैं लेडीज़ या जेंट्स तो। और ये अपनी धोती, मैंने भी धोती पहनी हुई है। प्रसाद यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है, इसके 100 रुपये लगते हैं, 100 रुपये में एक ये पर्ची मिलती है, इसकी ये ऐसी पर्ची होती है 100 रुपये की। और मंदिर बहुत अच्छा है, अंदर से मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और नारायण भगवान जैसे बहुत बड़ी मूर्ति है उनकी लेटे हुए की, बहुत शानदार मंदिर है, बहुत शानदार। पर यह है कि मोबाइल आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, और धोती यहाँ से मिलेगी। इस धोती का लिया 130 रुपये, सिर्फ धोती, अगर ऊपर का लेते हैं तो पूरा सेट 300 रुपये का पड़ता है, फिर वो गोल्डन कलर में हो जाती है, जैसे इसमें नीली कलर की लाइन है ना, वो गोल्डन कलर में हो जाती है। अभी जा रहा हूँ होटल के लिए, फिर निकलते हैं पैकिंग करके कन्याकुमारी के लिए। तो मंदिर में 3 तरह की एंट्री है, VVIP, VIP और जनरल। VVIP की एंट्री है 500 रुपये की, VIP की 50 की, और जनरल 900 रुपये है। VIP में लगेंगे आपको आधा घंटा, VVIP में आधा घंटा, VIP में 1 घंटा, और जनरल में 2 घंटे। और वहाँ से प्रसाद में ये मिलता है, उसको बोलते हैं खीर, पता नहीं खीर के नाम पे क्या खिला रहे हैं। तभी बोलते हैं होटल को बाय, और 11 बज चुके हैं, 1:30 बजे तक दिखा रहा है कि कन्याकुमारी पहुँच जाऊँगा। इधर जितना समुद्र की साइड जा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये होटल तो बड़े बड़े हैं, यहाँ पे ना कमरे तो बस नाम, कमरे के नाम पे कमरा ही है, बस छोटा सा एक बेड डला हुआ है, उसी में इंक्लूडेड लेटरिन बाथरूम है, वॉशरूम बस। चलते हैं फिलहाल, अबे कहाँ गया मैप। अभी देखना ये हंटर वाला जाएगा मेरे साइड से, ये बंदा एक, ये एक ग्रीन कलर की उस पे है डोमिनार पे, दोनों आगे पीछे घूम रहे हैं। अबे भाई तुम थे क्या रेस लगाऊं मैं, 100 सीसी और 350-400 सीसी में फर्क तो होता ही है। तो अभी तमिलनाडु में एंटर कर दिया है, और मुझे लग रहा है कन्याकुमारी जाने वाला मैं अकेला ही हूँ, क्योंकि मेरे पीछे भी कोई नहीं है 1 किलोमीटर तक, और मेरे आगे भी कोई नहीं है। यहाँ पे मेरा मीटर 100 टच कर रहा है, लेकिन ये 90 दिखा रहा है, ये 100 टच कर रहा है, ये सिर्फ 90, ये 100 के ऊपर चली गई सुई, देख रहे हो, इधर 100 के ऊपर गई सुई, इधर 95 अब आया है, 93, ये 100 के ऊपर गया मीटर, ये 94 पे है अभी। यहाँ पे 25 का पीस है, और तिरुवनंतपुरम में 14 रुपये का पीस है। कन्याकुमारी भी बचा है बाकी 12 किलोमीटर, तो जो थोड़ा पहले खा पी लेता हूँ, सुबह तो कुछ खाया नहीं ना। इधर हिंदी की देखो समझ नहीं आती, कुछ भी बोलो किधर कोई समझ नहीं आया। और जैसा लद्दाख और कन्याकुमारी सोचने में लगता है ना, ऐसा है नहीं, देख रहे हो यहाँ पे कितने लोग हैं। मुझे लगा था सुनसान सा एरिया होगा, थोड़े बहुत होटल होंगे, लद्दाख में पहले ऐसे ही सोचता था मैं, लेकिन लद्दाख में भी फुल चकाचौंध रहती है। यहाँ पे तो भाई साहब पोर्शे चल रही हैं, लैंड रोवर चल रही है, क्या ही कहें। और कोई हाईवे नहीं है भाई, ये छोटा सा रोड जाता है बीच में से। तो भाई देखो, अबे भाई क्या है ये, तो लास्ट पॉइंट
तो भाई तुम्हारे भाई ने कर दिखाया, सिर्फ 6 दिन में दिल्ली से कन्याकुमारी अकेला। वो देख रहे हो, वो कन्याकुमारी। ओ भाई बहुत मस्त हो जा रहा है, सिर्फ 6 दिन में दिल्ली से कन्याकुमारी। और अभी अपना झंडा चेंज करते हैं, तिरंगा लगाते हैं। बहुत बहुत दिल खुश हो रहा है यहाँ पे यार। वो है लास्ट पॉइंट, वो कन्याकुमारी मतलब जो मूर्ति होती है, और एक उधर वो मंदिर है। मैं जाऊंगा नहीं यार, क्योंकि ये बोट से जाना पड़ेगा, बाइक छोड़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फाइनली आई एम एट माई डेस्टिनेशन। तो अभी इस झंडे को उतार के हम ये तिरंगा लगाएंगे इसमें, क्योंकि ये बेचारा बहुत ख़राब हो गया है, हनुमान जी की इज्जत का सवाल आ गया, अनादर हो रहा है झंडे का। 3100 किलोमीटर तक लेके आया हूँ इसको, अभी 3100-3200 जो भी होगा अब ये जाएगा। ये इसके ऊपर ऐसा दिखेगा, अरे यार ये छोटा है, कोई नहीं पर अच्छा लगेगा। ये बेचारा हनुमान जी का अनादर हो रहा है हमारे, अब इसको उतार देते हैं। अच्छा एक टाइप बेल्ट हो रहा है अंदर। तो रखते हैं पहले संभाल के। अब इसमें लगेगा तिरंगा। दोनों तरफ से बंद कर दिया क्या? अभी देखता हूँ यार, इसे दोनों तरफ से बंद है ये। ये लग गया अपना झंडा, अब ये लहरेगा ऐसे। तो अभी अपनी बाइक पे झंडा लग चुका है और जैकेट मेरी इधर पड़ी हुई है, और नज़ारा कुछ इस तरीके से बड़ा शानदार है। और यहाँ की हवा में ना चिपचिप हो रही है थोड़ी, समुद्र की वजह से ना हवा में नमी है। वो है वो सामने वो मूर्ति, और वो एक मंदिर है। ये बोट आएगी आपको उधर से लेके जाएगी, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बाइक पर बहुत सारा सामान है। यहाँ पर ड्रोन उड़ा के देखो क्या ड्रोन उड़ता है, नहीं उड़ता है ड्रोन उड़ा के? नहीं यार, हवा बहुत तेज़ है, नहीं उड़ेगा, चला जाएगा समुद्र में, बर्बाद हो जाऊंगा मैं, पैसा डूब जाएगा मेरा। ये मेरा पहला सपना था जो पूरा हुआ है, और तुम लोग साथ बनाए रखना, अगली बार इंटरनेशनल भी जाएंगे। भगवान सलामत रखे, इंटरनेशनल भी ज़रूर करना है, अकेले करना है इंटरनेशनल भी। अभी चलते हैं रामेश्वरम के लिए, 300 किलोमीटर है, आज तो पहुंचूंगा नहीं, कल भी मतलब वही 100 किलोमीटर के समथिंग रह जाएगा। तो 100 किलोमीटर सुबह कवर करेंगे, फिर ऐसे ही दोपहर में इस टाइम पहुंचेंगे वहां पे, और आगे का सफ़र करेंगे फिर। यहाँ खड़ी है ना ये सारी मछली पकड़ने के लिए, और वो जो बड़ी वाली नाव है वो लोगों को लेकर जाती है, जैसे वो आ रही है। मुझे इधर का पता नहीं था, इधर से रास्ता है, मैं अंदर से घुसा था ना, तो अभी इधर से आ जाऊँ। अब मैं जा रहा हूँ धनुषकोड़ी के लिए। ये देखो ये यहाँ पे मछली, इसमें मछलियों के लिए दाना फंसा रहे हैं। यहाँ पे एक भाई और मिला है, इनसे ही बात करते हैं। कहाँ से सर, कहाँ से आप? कश्मीर से कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी कितना दिन हुआ? आज 30वां दिन है। 30वां दिन है आपका? मेरे को तो 7वां दिन आज, दिल्ली से कन्याकुमारी। हाँ वेरी गुड। मैं राजस्थान से। राजस्थान से? अच्छा अच्छा अच्छा। ओके सर, बस बहुत बढ़िया। इधर तो गर्मी बहुत है, इधर हालत खराब, गर्मी से बहुत हालत खराब है। हाँ 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 मैं दिल कर रहा हूँ आपको।
तो स्टे वगैरह कैंप है? अच्छा अच्छा अच्छा, अगर होटल मिल जाता है रीजनेबल रेट में। हाँ हाँ हाँ, इधर रेट का बड़ा इशू है, रेट बहुत हाई फाई रहता है इधर। तो चलने के चक्कर में आप राजस्थान से कश्मीर गए, फिर कन्याकुमारी, और फिर अब आप राजस्थान जाओगे? अभी आप क्या जाके आ गए? हाँ, कर मैं कन्याकुमारी से होके आ गया। अच्छा, कैसा क्या वहाँ? अब बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार है। आपका तो ये सामान है ना, जा नहीं सकते, नहीं तो वो मंदिर है ना, वो देखने देखने लायक है। मैं भी नहीं गया इस सामान की वजह से ना। आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर रिक्वेस्ट भेजो आपकी। इधर एक चीज़ है जो आपको बाइक पे घूमने वाले मिलेंगे, मतलब जो बाहर से आते हैं या साइकिल पे मिलेंगे, वो सारे हिंदी जानने वाले मिलेंगे। तो ये जो भाई मिले थे, ये भी फुल हिंदी में बात कर रहे थे, और इनको मैंने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपने रिक्वेस्ट भेजने को बोला था, क्योंकि ऐसे बंदे ही इंस्पिरेशन बनते हैं। अभी उनके पास बेनेली थी, फिर भी वो साइकिल था, मेरे पास रॉयल एनफील्ड थी, फिर भी मैं स्प्लेंडर से आया। तो अपना अपना सबका सपना होता है, बहुत मज़ेदार रहता है यार, किसी से बात करने में इतना अच्छा लगता है ना। ये देखो, ये पवन चक्की चल रही है। ऐसे बंदों से मिलके ना दिल खुश हो जाता है, लगता है कि अपने जैसा, मतलब एक अपनापन फील होता है जब हिंदी में कोई बात करने वाला मिलता है। इधर हिंदी में बात नहीं की है मैंने इतने दिन से, किसी से बड़े दिनों बाद हिंदी में दो चार लाइनें बोली हैं मैंने। नज़ारा देख रहे हो? नज़ारा देखो, लग रहा है मैं दूसरे कंट्री में आ गया हूँ, कहीं ये सीधा श्रीलंका तो नहीं जा रहा रोड। मतलब बहुत शानदार लग रहा है ये घूमते हुए, तो बहुत ही कितना ही मस्त लग रहा है यार, क्या कहूँ। और इसके बीच में रोड है ना, एक तो मस्त सा यार, यहाँ रेड लाइट का पता नहीं चलता है, ये रेड लाइट है कैसी है बताओ। यहाँ पे स्पीड काउंट हो जाएगी, ये स्पीड काउंट करने के लिए एक मीटर लगा हुआ है, कितनी है, कम करो चलान कटेगा, कम करो 54 46, कम करने पे भी 54 और 46 आई है। तो अभी कन्याकुमारी से लेके और यहाँ तक 40 किलोमीटर आ गया हूँ टोटल, ऐसा ही रोड है, स्पीड मेरी 80 से ऊपर ही रही है। थोड़ा बहुत तो ये जो रेड लाइट वगैरह आती है, यहाँ पे रेड लाइट नहीं होती, वो स्लो करने के लिए लगा रखी है, वहाँ पे थोड़ी स्लो ही है, बाकी यही स्पीड बनी हुई है। और मौसम देखो क्या शानदार हो रहा है, अब ना गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, ठंडा रोड इतना शानदार है ना, एंजॉय करने लायक रोड है, ऐसे बैठो आराम से। ओ वाओ, टांगों को भी सुकून मिलेगा। तेलंगाना में पता नहीं कौन सी जगह है यार, इनके नाम भी अजीब अजीब होते हैं, लेने में भी नहीं पता चलता। यहाँ पे टंकी फुल कराई है, टंकी फुल हुई 670 रुपये में, बाकी जगह हो रही थी 710 715, क्योंकि यहाँ पे है 102 और तुम्हारा इधर केरला में था 110, 8 रुपये का फ़र्क आ रहा था ना। ये गूगल मैप लेके तो आया है मुझे किसी गांव में, लेकिन गांव बड़ा प्यारा लग रहा है, ये बिल्कुल जैसा अपने गांव होते हैं ना ऐसा, बस लोग थोड़े काले ज़्यादा हैं। क्यों भाई? ये केले लिए, तमिलनाडु के केले, चेहरे पे मत जाना, चेहरे की हालत ख़राब है क्योंकि हेलमेट चला खोल के चलाना पड़ रही है गाड़ी, अंधेरा इतना हो रहा है ना। कैसा अजीब सा टेस्ट है, थोड़ा अजीब है, ठीक है फिर भी अभी 40 किलोमीटर बाकी है, उसके बाद होटल लेंगे। कैमरे पे पूरे मच्छर मच्छर लग गए हैं। तो अभी मंदिर से 3 किलोमीटर पहले ये होटल लिया है, ये रूम है, रूम क्या है, ये बहुत बढ़िया है। पासपोर्ट पे हमें मिला है, कल सुबह 10 बजे चेकआउट करना है, इधर लैपटॉप चालू हो गया है, वीडियो एडिटिंग के लिए लगानी है अभी, और फ्रेश होकर खाना खाने जा रहा हूँ अभी, फिर कल सुबह सुबह जाएंगे रामेश्वर मंदिर और धनुषकोड़ी। अभी के लिए इतना ही, आज के लिए जो है यही है, अभी के लिए गुड नाइट।